सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ले ली है? विनय सक्सेना हाल ही में जो है दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकार ने ओलंपिक विजेता जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को किस देश के कोर्टों ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? इसमें से है फिनलैंड इसका आंसर। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसमें से नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के पद से इस्तीफा दे दिया है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोप्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी निम्न में से कौन बन गई हैं? कैप्टन अभिलाषा ब्राक। कौन बन गई हैं? कैप्टन अभिलाषा ब्राक। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को की कितने पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? 4 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जरूरी कर दिए हैं? अब देखो, जो इंदिरा गांधी नहर है ना, वो राजस्थान में है, तो ओबियस सी बात है राजस्थान से रिलेट है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरकों की कीमत में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगा? तो वो करेगा 1.10 लाख करोड़ रुपए। यूपी बजट 2022 यूपी का बजट है ये, पेश करते हुए वित्त मंत्री, तो यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 1000 रुपए। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 की घोषणा की उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो इसमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय से दे दिया है? कपिल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? पहला खाड़ी देश है UAE, जहां पे मंकी पॉक्स का मामला आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे चुना गया है? तो प्रमुख के तौर पर चुना गया है टेड्रोस एडनोम गिब्रेसस। किस देश की सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है? तो किस देश ने कहा है? भारत ने। और फ्रेंड्स, इफ़ माई वीडियोज़ आर फ्रूटफुल फॉर यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़। क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में की जा रही है। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ सहयोग करेगी? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। तो रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए IIT संस्थान मद्रास को सहयोग करेगी। तो दीज वर द न्यूज़ ऑफ 27 मई इन क्वेश्चन फॉर्म। ओके, जय हिंद, जय भारत।